जय 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 जय
कल्याण ग्रामीण के डाय घर में आने वाली 30 अप्रैल को सकल हिंदू समाज द्वारा भव्य हिंदू जन जागरण धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा। लव जिहाद के नाम पर हिंदू बहनों पर आ रहे धार्मिक संकट को रोकने के साथ अन्य कुछ प्रमुख मांगों को लेकर हिंदू जन जागरण धर्म सभा का आयोजन किया जा रहा है। आयोजकों का मानना है कि इस सभा में हजारों हिंदू भाई बहन शामिल होंगे। मीडिया से बात करते हुए सकल हिंदू समाज की ओर से लक्ष्मण पाटिल ने बताया कि इस सभा की तैयारियां पूरी कर ली गई है और पूरा मैदान हिंदुओं से खचा खच भरने की उम्मीद लक्ष्मण पाटिल ने जताई है। कल्याण से रोड पर पपू स्वामी डी के दास महाराज क्रीडागन डाय घर गांव में शाम 5 बजे हिंदू जन जागरण धर्म सभा का आयोजन भव्य रूप से किया जाना है। इस धर्म सभा का कक मुख्य उद्देश्य लव जिहाद के नाम पर हिंदू बहनों के धार्मिक उत्पीड़न को रोकना, श्रद्धा वाल करके हत्यारे आफताब को फांसी की सजा की मांग करना, लव जिहाद व धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग धर्म सभा में की जाएगी। इन सभी मुद्दों पर राज्य सहित केंद्र सरकार का ध्यान खींचने के लिए आयोजकों ने सभी हिंदू भाई बहनों से अपील की है कि वे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को छोड़कर एक दिन हिंदू बनकर इस हिंदू जन जागरण धर्म सभा में शामिल हो। 30 अप्रैल को शाम को 4 बजे हिंदू जन जागरण सभा का आयोजन किया गया है। इस सभा में करीबन 25 से 30 हजार लोग आने वाले है और इस सभा में वक्ता जो है काजलताई हिंदुस्तानी, जैन मुनि जी और भारतानंद सरस्वती और साध्वी सरस्वती ताई, ये चार वक्ता है और इस स्टेज पर हमारे चारों वक्ता का उनका भाषण होने वाले है। इसका प्रास्ताविक जो है अपने इस अमरनाथ के हब पर श्री वारिंगे महाराज ये प्रास्ताविक करने वाले है। तो इस सभी का नियोजन पूरा तैयार हुआ है। अभी लोग यहाँ पर बैठने की आपने व्यवस्था की है? 25 से 30 हजार लोग बैठ सकते हैं। ये सभा क्यों की जा रही है? ये लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्मांतर जो हो रहा है ये रोकने के लिए और सरकार से दरख्वास्त करने के लिए हमने किया है कि ये जो इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई ऐसा एक कायदा निकाले। साधारण कुठली गाव यामध्ये आता भगिनी।